कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। और जब तक इस देश से सामंतवाद और मनुवाद की जड़ें काट के समता मूलक समाज नहीं बनेगा, तब तक खून का कतरा आंदोलन के लिए जारी रहेगा। जितना जल्दी वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर खड़े हो जाएंगे, उतना ही जल्दी उनके हिस्से से गुलामी कट जाएगी। और जितना देर तक वो रहनुमाओं के भरोसे रहेंगे, उतने देर तक ही यह न्याय अत्याचार आपकी किस्मत में लिखा गया। अभी तो हम लोग घुटनों के बल खड़े हुए, अभी तो हम लोग आंख से आंख मिला के काम करेंगे, मेहनत से दौड़ेंगे, गांव गांव चलेंगे, पांव पांव चलेंगे और करके दिखाएंगे। इतिहास दोहराएगा, बाबा साहब अंबेडकर कह के गए, उनकी एक एक बात सच है कि 21वीं सदी हमारी है। इस देश में बहुजन राज आएगा, महापुरुषों का राज आएगा और सम्राट अशोक का भारत बनेगा। कमाने के लिए तो आप लोगों ने इतना तैयार किया है बाबा साहब के संविधान से कि नौकरी तो कहीं भी कर लेते, और नौकरी भी नहीं कर लेते तो इतने बुद्धिमान है, वकील है तो इस प्रोफेशन से भी पैसा कमा लेते, घर चला लेते। और पिछले आंदोलन का भी एक उससे मित्र सुंग ने जीरो करके नाश किया और बताया कि देखो बाबा साहब हमसे कह के गए थे कि मत घुसाना, सुई की नोक के बराबर भी अगर आंदोलन में मिश्रण करोगे तो फिर कल को पछताना पड़ेगा, तुम्हारा नाश होगा। साल खूब नारे लगा ली, अब हमारी बात पे गौर करें। सबसे पहले तो आप सभी को हमारे रहबर, हमारे गुरु माननीय साहब श्री काशीराम जी की जन्म उत्सव जयंती की हार्दिक बधाई और आप सभी के लिए मंगल कामना। एक इतने महत्वपूर्ण दिन में जो पर्व भी है हमारे लिए, दिल्ली की टीम ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, उनके लिए दिल्ली की पूरी टीम को भीमार्मी आजाद समाज पार्टी की बहुत बहुत बधाई, यहां काम करने वाले के कार्यकर्ता को बधाई, धन्यवाद। आज इस प्रांगण में उपस्थित जो प्रत्याशीगण, जो आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, यहाँ मंच पर उपस्थित भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिशन भी गायक छोटी बहन निशा बोध, उसके साथ साथ जो अन्य साथी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए, उन सबका दिल की गहराई से आभार। मैं ज्यादा नहीं, 15 मिनट के करीब बोलूंगा आपसे और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सुनेंगे। 15 मिनट आप जो समय आपने इतना खर्च किया उसका सार 15 मिनट में रखूंगा, जबकि दिल्ली की टीम की तरफ से मुझे काफी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि मैं पांचों राज्यों के चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर आया हूं तो मुझे भी कुछ थोड़ी सी बातें आपसे रखनी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, उनके बाद जब इस देश में गुलामी का समय चला आया तो सामाजिक परिवर्तन के जो हुए, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पैरियर रामास्वामी नायकर, पैरे लल्ली यादव, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, समय समय पे उनके बाद परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारी छोटी बहनें भी गाना गा रही थी कि तेरी जय हो भी महान, उनकी जय हो, लेकिन उनके आंदोलन की विजय हो इसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। उसके बाद समय समय पे अपने जीवन संघर्ष से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्गदर्शन के रूप में मिले हमारे रहबर, जिनमें माननीय साहब श्री काशीराम, माननीय दीनाभाना वाल्मीकि साहब, महामना रामसूर वर्मा जी,
बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, पूरे देश दुनिया में जिन्होंने भारत की आजादी में योगदान दिया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, वीर अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खां, शहीद सुखदेव जी, शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, और उनके साथ साथ जब भारत में ये आंदोलन गति पकड़ा उसमें भी बड़ा योगदान था कोतवाल धर्म सिंह गुर्जर जी का, उनको भी नमन करते हैं। अब आपसे रूबरू इस बात के साथ, क्योंकि इस बात को सुनेंगे बहुत दूर तक लोग, क्योंकि बहुजन मीडिया के लोग है ना यार, उनकी बात बहुत दूर तक जाती है। आज यही है हमारे पास माध्यम सच दिखाने का। झूठ ने तो उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में क्या परोसा, आप उसका परिणाम देख चुके हैं। बिके हुए लोग कभी सच की बात नहीं कर सकते। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहां पहुंची बहुजन मीडिया के सारे साथियों का कि आपके जरिए हम शोषितों की आवाज भी दूर तक चली जाती। तो क्या लगा कि गरीब का बेटा है, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हार मान जाएगा, मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूं सर, गरीबी को करीब से देखा है। ये हमारा राष्ट्र, जब तक इस राष्ट्र से गुलामी की बेड़ियां नहीं काटेंगे बहुजनों की, तब तक डगमगाएंगे। जब तक गरीबी की जड़े नहीं काटेंगे, सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हिलेंगे नहीं। और जब तक इस देश से सामंतवाद और मनुवाद की जड़े काट के समता मूलक समाज नहीं बनेगा, तब तक खून का एक कतरा आंदोलन के लिए जारी रहेगा। हारना तो सीखा है, डिक्शनरी में आता नहीं, क्योंकि नए हैं सीख रहे हैं। हमने एक ही चीज जानी है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, और हम जीतने के लिए पैदा हुए। इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों का राज आएगा, ये हमारे महापुरुष हमसे कह के गए। और गुरु गोविंद सिंह जी भी तो कहे हैं ना, कहे कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि शोषित वर्ग के लोग जल्दी समझ जाएं कि जितना जल्दी वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर खड़े हो जाएंगे, उतना ही जल्दी उनके हिस्से से गुलामी कट जाएगी। और जितना देर तक वो रहनुमाओं के भरोसे रहेंगे, उतने देर तक ही यह अन्याय अत्याचार आपकी किस्मत में लिखा गया है। क्योंकि मैं भाग्य और किस्मत में भरोसा नहीं करता, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी किस्मत मेहनत से खुद लिखनी पड़ेगी। आप हमसे प्यार करते हैं, हम पे विश्वास दिखाते हैं। पूरे देश से कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया हताश मत हो, हम तो तुमसे कह रहे हैं कि हताश मत हो, अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो लड़ाई चलेगी, अभी तो हम लोग घुटनों के बल खड़े हुए, अभी तो हम लोग आंख से आंख मिला के काम करेंगे, मेहनत से दौड़ेंगे, गांव गांव चलेंगे, पांव पांव चलेंगे, और करके दिखाएंगे। और इतिहास दोहराएगा बाबा साहब अंबेडकर कह के गए, उनकी एक एक बात सच है कि 21वीं सदी हमारी है। इस देश में बहुजन राज आएगा, महापुरुषों का राज आएगा, और सम्राट अशोक का भारत बनेगा। ही मेरे अपने मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। हमसे कहा गया है कि दो शायरी जरूर पढ़ना। पहले हम शायरी बहुत पढ़ा करते थे, अब किताबें पढ़ते हैं तो शायरी का समय नहीं मिलता है। सोचते हैं कि ये शायरी आपके आगे पढ़ी दे। और ये हर एक उसके लिए है जो गरीब का बेटा लड़ने के लिए मैदान में आए। मैं आप में से एक, और जब आपने पहली बार घर से बाहर पैर रखा होगा तो तमाम तरह से लोगों ने आपके रास्ते रोके होंगे और ये कहा होगा कि तुमसे नहीं हो पाए। लेकिन जिन लोगों ने अपने रहबरों की बात मानी, जैसे माननीय साहब श्री काशीनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो हम सच्ची तमन्ना लेके उतरे इस आंदोलन में। हम यहां खाने कमाने थोड़ा ही आए,
खाने कमाने के लिए तो आप लोगों ने इतना तैयार किया है बाबा साहब के संविधान से कि नौकरी तो कहीं भी कर लेते और नौकरी भी नहीं कर लेते तो इतने बुद्धिमान है वकील है तो इस प्रोफेशन से भी पैसा कमा लेते घर चला लेते। लेकिन मेरा घर चल जाएगा इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? आपके जीवन में बदलाव हो और जिस चीजों के लिए आप दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं वो आपके हिस्से में आए। बिना संघर्ष के सत्ता नहीं मिलती। पिछले आंदोलन में हमने बहुत दिन पहले कहा कि गुस्से मित्र सिंह साहब जो है पुराने लोग जानते हैं कटराई लोग कि एक गुस्से मित्र सिंह ने पूरे राजपाट का नाश किया और पिछले आंदोलन का भी एक गुस्से मित्र सिंह ने जीरो करके नाश किया और बताया कि देखो बाबा साहब हमसे कह के गए थे कि मत घुसाना मत घुसाना। सुई की नोक के बराबर भी अगर आंदोलन में मिश्रण करोगे तो फिर कल को पछताना पड़ेगा तुम्हारा नाश होगा और आज वही हुआ। और अच्छा किया कि हमारे लोग हमसे पहले कह दिए कि बना लो दल वरना कल फिर आपको दोबारा जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि उनको नहीं करना। हम समय से बनाए और इस चुनाव में अपनी पहचान बनाए और आज सब लोगों को पता है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम मान्यवर साहब श्री काशीराम के आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव गांव गली गली मेहनत कर रही है। उनके नेता उनके कार्यकर्ता ना सरकार से डरते हैं ना झुकते हैं ना रुकते हैं और ना ही किसी भी कीमत पर अन्याय सहन करते हैं। तो वो शायरी मैं आपके आगे पढ़ देता हूं। जो लोग हताश निराश है उस शायरी से अपने लिए सब ढूंढ लें। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर एक शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर एक शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो हुनर की कदर मिलनी चाहिए होनी चाहिए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया। ना पूछो मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया। अब आपसे काम की बात करते हैं। ये लोकतंत्र है तुम आगे वाले हमारी बात में ध्यान दो। आज हम सिखा रहे हैं सीख लो। नारे तो पिछले 70 साल से लगा रहे हाथ में क्या है ना तुम्हें खुद पता है। 70 साल से तालियां बजा रहे लोगों के आने पे खुश होते हो और फिर मूसा मुड़ जाके घर चले जाते हो कि हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। जिनसे अपना अधिकार छीनना चाहते ना बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो अधिकार छीन गए वो छीन कर ही लिए जाएंगे। मांगने सिर्फ भीख मिलती है अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीन कौन सकता है जिसके अंदर बल होता है। आपका दल है दल से बल बनाओ और बल बना के हल निकालो। जिन समस्याओं के लिए दूसरों का हाथ फैलाते हो ना वो समस्या हल करने की ताकत आप में है। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में बनाने के साथ ये तय हुआ था कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिनके पास वोट होगा जो अपने वोट को तैयार कर लेंगे उनका राज होगा। और लोकतंत्र बना इसलिए कि अमीर ही राज नहीं करेंगे गरीब का बेटा भी आएगा मेहनत करेगा संघर्ष करेगा अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाएगा। अमीरों ने लोकतंत्र पे पाबंदी लगाई कि गरीब का बेटा इसमें घुस ना पाए। उनको पता है कि अगर पैसे की लाइन नहीं खींचेगी पैसा प्रायोरिटी नहीं होगा तो गरीब आदमी भी मेहनत करके आगे बढ़ जाएगा। आज राजनीति में दीवार खींच गई है। दिल्ली के लोग भी सुन लो उनको लगता है कि पैसे वाले आगे बढ़ सकते हैं और मैं कहता हूं कि जिसके दिल में सच्ची तमन्ना वो आगे बढ़ सकता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से काम किया हमारे प्रत्याशियों ने मेहनत से डटकर मुकाबला किया और हमारे प्रत्याशियों ने आने वाले समय में बहुजन समाज बनाया भाईचारा बना के संगठन बना के कमेटियां बना के और मजबूती से आंख से आंख मिला के चुनाव लड़ा तो मैं लिख के देता हूं कि यह समाज कभी बिका ही नहीं। जब जब रहबरों ने महापुरुषों ने आदेश दिया आवाज दी ये खड़ा हो गया और इसने साबित किया कि ना हम झुकेंगे ना हम रुकेंगे ना हम इस आंदोलन को कमजोर पड़ने देंगे। तो दिल्ली के जो लोग यहां मौजूद है मैं उनसे कहना चाहता हूं हमारे नौजवान नेता मेरी बात पे गौर करें।
आंदोलन समर्पण से चलता है, आंदोलन संघर्ष से चलता है। आजादी कीमत मांगती है, अधिकार बलिदान मांगते हैं। अगर आपने वो देने का हौसला है तो आप जीतोगे, कामयाब हो जाओगे, वरना आप जैसे बहुत आए और हिम्मत हार के चले गए। अगर आपके अंदर समाज को देने की भावना है तो फिर ये इतिहास कुदरत आपको देगी। अगर आप अपने लिए कुछ चाहते हैं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। जिस चीज के पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं सीख के आया हूं। 15 दिन मांगता हूं उसे, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन के बाद 10 साल तक एक दिन भी परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए छुट्टी नहीं करूंगा। 10 साल पूरी जी जान लगा के इस आंदोलन को और दिल्ली तक लेके आऊंगा, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक। ये आज वादा कर रहा हूं साहब के आंदोलन के। एक दिन भी नहीं गद्दारी करूंगा, एक दिन भी नहीं रुकूंगा और गर्दन नहीं झुकने दूंगा आप लोगों की। लेकिन मैं जितनी सच्ची ईमानदार से लगा हूं, आपसे भी सहयोग चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आंदोलन झुके, कमजोर हो, या आंदोलन बदनाम हो, या आंदोलन की मजाक बने। लेकिन जितनी जिम्मेदारी मेरी इतनी आपकी भी बैठती है। अगर मैं 24 घंटे दे रहा हूं तो कम से कम 4-6 घंटे आप भी दें, रोज दें। अगर जितना का संघर्ष करोगे उतना ही मिलेगा सर। अगर आप ये सोचते हैं कि आज संघर्ष कर लिया 1 साल 10 साल तक मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। साइलेंट मोड पर बैठिए। रोज संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा और अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जिसको जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता की इज्जत करनी पड़ेगी, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, उस कार्यकर्ता के विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। और जो नालायक लोग हैं, जो चेहरा दिखाने वाले लोग, उनको संगठन से निकालना पड़ेगा सर। जो सिर्फ और सिर्फ जो ना चाटुकारिता करते हैं उनको निकालना पड़ेगा। उन लोगों की जरूरत है जो काम करना चाहते हैं। क्या तो तय करो कि गुलामी के जीवन में जीना चाहते हैं, या फिर तय करो कि हम गुलामी का जीवन काट के जाएंगे। सर आपको क्या लगता है, बाबा साहब वापस आ जाएंगे क्या? यहां जो तमाम लोग बैठे, बताओ क्या माननीय काशीराम साहब वापस आ जाएंगे क्या? और फिर यह भी बताओ मुझे कि कोई दूसरा माननीय काशीराम क्यों नहीं पैदा हुआ, किसने रोका? लेकिन हर आदमी को अपने लिए जीना है तो नहीं बनेगा माननीय काशीराम, और उनके जैसा पैदा नहीं हो सकता। मैं तो उनके पैर के नखून के बराबर भी नहीं, लेकिन यह विश्वास से कह रहा हूं कि अपने ऊपर जो कर्ज है महापुरुषों का उसको उतारेंगे, उस कर्ज को नहीं रख के जाएंगे। जब जीवन से खत्म होगा तो ये नहीं कहेगा कोई कि अधूरा रह गया कुछ। अपने जीते जीवन में इस आंदोलन को आगे बढ़ा के जाएंगे। अब दिल्ली के लोगों सुन लो, आपसे बहुत जिम्मेदारी की बात करनी है। दिल्ली में बहुजन समाज की आबादी सबसे बहुत ज्यादा है, और आपसे मुखौटे दिखा के, बाबा साहब की बात करके लोग वोट लेके गए। और कितने ऐसी समस्याएं जिनका हल नहीं हुआ, मैं गिनवा दूंगा अभी आपको। लेकिन आप ये बताओ, क्या आपकी समस्याओं का हल आप खुद नहीं कर सकते हो? जब वोट का अधिकार आपके पास है और वोट आप तैयार करके, समाज को तैयार करके आगे बढ़ा सकते हो। MCD का इलेक्शन आ रहा है, जब आप अपने वार्डों से जीत सकते हो तो फिर आपको किसी के और पास जाने की जरूरत पड़ेगी क्या? बताओ। देखो दिल्ली में सुनो, दिल्ली में रविदास मंदिर आंदोलन हुआ, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं यहाँ। ये सरकार कहां थी जिसकी, जो अभी यहां सरकार है दिल्ली में, ये MCD वाले कहां थे? नहीं थे ना आपके साथ। CANPR नर्सिंग आंदोलन हुआ, आप मुझे बताओ, यहां मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हमारे पार्टी के भी नेता हैं और समाज के जिम्मेदार लोग भी आए। जब CANPR नर्सिंग कानून लागू हुआ और यहां साइन बाग का आंदोलन चल रहा था, और रोज कभी कोई तमंचा लेके, कभी कोई लाठी लेके जाके, और तमाम तरह से जो है मुसीबतें खड़ी थी, आप बताओ ये सरकार कहां थी? दिल्ली की सरकार आपके साथ खड़ी थी, आपके खिलाफ खड़ी थी? ये सरकार के मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि हटवा दो, जाओ दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में, केंद्र सरकार जाओ हटवा दो। और जब दिल्ली में अन्याय हुआ दिल्ली के चुनाव के बाद, आप बताओ ये सरकार कहां थी? और ये सरकार का मुख्यमंत्री बैठ के गृह मंत्री के साथ मुस्कुरा के 3 दिन बाद हमारे साथ, हमारे लोग साथ जो अन्याय हुआ वहां मुस्कुराता वक्त PC कर रहा था। किन पे भरोसा कर रहे हो? ये आपका भला करेंगे? ये जो बाबा साहब की तस्वीरों की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के कौन से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब की कौन से विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? इन्होंने हमेशा छल किया है
हमारे महापुरुषों की तस्वीर दिखा के, झाड़ू दिखा के हमारे लोगों को लूटने का काम किया है। अब इनकी बातों में नहीं आना आप लोग, इनकी बातों में आओगे तो फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इनको ढूंढोगे कहां, ये मिलते कहां आपको। वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सत्ता में के जरिए अपने लोगों के जीवन के बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हो। यहां कोरोना काल आया, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस मान के 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। एक को नहीं मिला। और जिसके एक के लिए हम लड़े भी तो उसको बेचारे को 10 लाख रुपए देके चुपचाप बिठा दिया। उसको कहा था सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। जो आदमी सिर्फ हमारी वोट चाहता और इतनी नफरत करता हमसे, उसका उसका क्या अधिकार बैठता हमारे लोग की वोट पे। सीमापुरी में मेरे आज भी याद है, एक नोटिस आया, हिमांशु जी का कॉल आया कि वहां भगवान वाल्मीकि महाराज का मंदिर है और वो लोग सीमापुरी में तोड़ रहे हैं। कल को ऑर्डर आ गया कि एसडीएम लेके आएगा वो बुलडोजर। हमने कहा फिर क्या करना है, कहा कि नहीं अपमान हो जाएगा महापुरुषों का, वहां चलना है। और हम जाके सारे अधिकारियों को वहां कह के आए कि भाई सुनो, इसे बुलडोजर को काबू में रखो, जब दूसरों के नहीं टूटेंगे तो हमारा भी नहीं टूटेगा। और जब यहां ये है कि धार्मिक स्थलों पे जिसमें विवाद नहीं उसको सरकार जो है जबरन तोड़वाने का काम नहीं करेगी, तो इसको क्यों तोड़ रहे हो। तब जाके बड़ी मुश्किल से ये कह के कि आओ तुम्हारा स्वागत करेंगे, तब जाके वो रुका। यहां आपके याद होगा, यहां की दिल्ली की टीम गवाही देगी कि जब यहां रोजगार पे वो बच्चे एसएससी जीडी के आंदोलन कर रहे थे, ये सरकार एक दिन उनसे मिली, उनकी मदद की। वो बहने जो है 40-40 दिन हमारे साथ रही हैं, यहां के बहुजन समाज के लोगों ने उनके लिए व्यवस्था कराई, ये सरकार बैठ के तमाशा देख रही थी। मैंने कई मामले सुने, एक हमारी बहन है छोटी रितु, क्या नाम है उनका, प्रोफेसर रितु डीयू की, वो जातिवाद का शिकार हुई। जेएनयू में जातिवाद का शिकार होते हैं हमारे लोग, डीयू में हमारे लोग शिकार होते हैं और जामिया में हमारे बच्चों के साथ अन्याय होते हैं, कोई सरकार नहीं बोलती। वादा किया मुख्यमंत्री ने हर घर में रोजगार देंगे, हर घर घर तक नौकरी पहुंचाएंगे, और पहुंचाएं क्या, दारू। हर वार्ड में ठेके खुला दिए, जिनसे हम बचाते आ रहे हैं अपने लोगों को, वो सारे ठेके हर वार्ड में खुलवा दिए। वादा किया शिक्षा देंगे, और जिस दारू से हम अपने समाज को बचा रहे हैं कि ये हमारे समाज के लोग इससे बचे, वो दारू के ठेके खुलवा दिए। और अभी तो क्या चल रहा था, एक के साथ एक फ्री, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं समाज दारू पी के पड़ा रहे और अपने अधिकार ना मांगे। और ये दारू पी के हमारे लोग फिर घर में जाके झगड़ा करते हैं, हमें रोकने का काम करेंगे। इनका काम है हमें गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, इनका काम है हमें इन्हीं तरह की समस्या में घुसा के रखना, और हमारा काम है कि इनकी बातों से गुमराह नहीं होना, इनकी बातों में नहीं आना और इन समस्याओं से निकलना। कहा मुख्यमंत्री ने कि जल घर घर तक पहुंचाना है, मगर वो जल काले रंग का था इनका, वो साफ पानी वाला नहीं था, वो था जो बोतलों में आता और जिसके लिए लाइन लगती है आज भी। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, एनडीएमसी में तो 70,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन बाम सफाई कर्मचारी को ठेकेदारी पे और संविदा पे उसको 7,000-8,000 रुपए मिलते हैं। तो ये भेदभाव तब तक जारी रहेगा जब तक आप यहां इस सिस्टम को अपने हाथ में नहीं लोगे। सोचो अगर एमसीडी में आपका बहुमत होगा तो बताओ क्या किसी काम के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, दोनों हाथ उठा के बताओ आप लोग, अगर एमसीडी में नहीं पहले सुनो क्या बात है। यही तो हो रहा है, कोई भी तुमसे हाथ उठवा देता है आप बटन दबा जाते हो उसका, बाद में आके मुझसे कहते हो कि भाई चलो मदद करो, ताकत उनको देते हो मदद मुझसे मांगते हो, तो मदद मांगने के लिए मुझे फ्लैट तो कर दो कि मैं आपकी मदद कर सकूं। ये बताओ अगर एमसीडी में ज्यादा संख्या में आपके लोग जीते तो फिर आपको काम के लिए किसी और के पास जाना पड़ेगा या अपने आप काम करोगे लोगों के, बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, आवाज नहीं आ रही है, अपने आप करोगे। चलो धन्यवाद। एक यहां पर
ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है, उनके जिम्मेदार लोगों ने ज्ञापन दिया है, उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे उनकी मांग है कि सफाई कर्मचारियों को टेक्निकल ग्रेड कर्मचारी घोषित किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से दिल्ली में प्रतिबंधित किया जाए, सफाई कार्य का निजीकरण ना किया जाए, दिल्ली के सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निगम कर्मचारियों को पेंशन एवं वेतन समय पर मिले, और यहाँ की कमेटी ने, प्रदेश कमेटी ने उनकी सारी मांगों को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ एमसीडी में अगर आप हम लोगों को मौका देंगे तो ये सारी मांगे जो है पहले ही दिन एमसीडी की पहली मीटिंग में जो है इन पर एजेंडा बना के इनको इनको पर काम किया जाए। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपसे, हिमांशु जी चले आए मेरी तरफ प्रत्याशियों की लिस्ट लेके, मैं आपसे कह रहा हूं ये पैसे आधारित चुनाव जो है ना ये गरीबों के लिए नहीं, यहां चुनाव जो है वो नोटों वालों और वोटों वालों के बीच में। अब वोटों वालों को यह तय करना है कि उनको नोटों वालों के साथ रहना है या वोटों वालों के साथ रहना है। गरीबों को यह तय करना है कि उनको अपनी लड़ाई अपने लोगों के सहारे लड़नी है या रहनुमाओं के सहारे लड़नी है जिनको उनसे कोई मतलब ही नहीं। ये आज के बाद ये आंदोलन दिल्ली में चलेगा। मेरी आपसे अपील है जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, मेहनत से काम करना। मैं भी अपना समय जितना ड्यूटी मेरी पार्टी लगाएगी उतना समय पूरा आंदोलन को दूंगा। आपके पार्षदों की जो वो चुनाव होंगे उसमें जिस गली में आप मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसमें जाऊंगा, गली गली जाके लोगों से अपील करूंगा। बताया गया है कि यहाँ डिमांड बहुत है मेरी, कहते सब लोग कहते हैं चंद्रशेखर जी को बुलाओ। चिंता मत कीजिए, मैं भी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जहां मेरी ड्यूटी आगे अध्यक्ष जी लगा देंगे मैं उसी गली में जाके वोट मांगने काम करूंगा। मुझे भरोसा है कि आप भी मेरे साथ कार्यकर्ता बनके काम करेंगे और जो ड्यूटी जहां आपकी ड्यूटी लगेगी जिस प्रत्याशी के साथ उस प्रत्याशी को जिताने में अपनी मेहनत भी देंगे, योगदान भी अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।